आप सभी अपने स्मार्टफोन से वेबसाइट ट्रेड करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब मंत्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले भी बात कर लेंगे वैसे लोगों के बारे में जो लोग ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और गाइज, इसके लिए कोई भी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बिगनर हो, स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम वर्कर हो, फुल टाइम वर्कर हो, फ्रीलांसर हो, रिटायर्ड पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, तब भी घर बैठे हर दिन ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो। इसके लिए बस आपको एक लिंक चेक करना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया गया है, क्योंकि अभी आपके दिमाग में बहुत सवाल कंफ्यूजन होंगे और इन सारे सवालों के जवाब आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इस लिंक में मिल जाएगा जो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया गया है। जैसे ही आप इस लिंक को चेक करोगे, देखोगे वहां पर आपको मिल रहा है 3 दिनों का फ्री एफिलिएट मार्केटिंग वर्कशॉप। और इस फ्री वर्कशॉप के थ्रू आप जान पाओगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टैक्टिक्स है, कैसे इंप्लीमेंट करके आप सभी ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो। और अभी तक आप समझ चुके होंगे कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कितना जरूरी है। और ये फ्री वर्कशॉप है जिसके थ्रू आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गाइज, आपको इसे डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करने, सिंपली रजिस्टर करना है, जिसके लिए नेम, मेल आईडी, फोन नंबर प्रोवाइड करना है। उसके बाद आप ज्वाइन करके इसे जान सकते हो कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू ऑनलाइन मनी आप अर्न कर सकते हो। तो काइंडली गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी के भी चेक करके आप सभी इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर ले। और आप सभी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। और ज्यादा जिस पर व्यूज आ रहे हैं, जिस वेबसाइट पे ज्यादा अच्छे व्यूज हैं, जिसके थ्रू अच्छी अर्निंग हो रही है, तो उसे आप सभी रीसेल करके भी मनी अर्न कर सकते हो, या फिर अलग अलग वेबसाइट से इनकम जो है जनरेट कर सकते हो। और आज का जो मेथड बताऊंगी वो बिल्कुल ही फ्री है। वेबसाइट जो आपको क्रिएट करना है वो बिल्कुल ही फ्री होगा, वहां पर आप सभी को 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करने होंगे। ये सारे प्रोसेस जो है गूगल के साइट से ही होगा। तो काइंडली गाइस, आज इस वीडियो को एंड तक देखना कि कैसे आप सभी अपने स्मार्टफोन की हेल्प से एक वेबसाइट क्रिएट करोगे। साथ ही यहाँ पर जितने भी यूट्यूब क्रिएटर हैं, अगर आप सभी अपने चैनल को हमारे चैनल पर प्रमोट करवाना चाहते हो, फीचर करवाना चाहते हो, तो एक फॉर्म फिल कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया गया है। तो अभी के भी लिंक चेक करके आप सभी फॉर्म फिल कर लेना। तो चलो गाइस, लेकर चलते हैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर। लेकिन स्टेप्स जानने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी हम लोग अपने स्मार्टफोन पर आ चुके हैं, और आपके स्मार्टफोन से आप कैसे अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करोगे वो भी बिल्कुल फ्री, वो मैं आपको अभी गाइड करूंगी। तो आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के गूगल पर ही आ जाना है। गूगल जो है यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है जहाँ से आप अपनी फ्री ब्लॉगिंग वेबसाइट्स जो है क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे ब्लॉगर, क्योंकि हमें ब्लॉगिंग करनी है, तो हम लोग यहाँ से ब्लॉगर सर्च करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर blogger.com का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग, पब्लिश योर पैशंस योर वे, क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग ईजली ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर लेना। क्लिक करते के साथ चूज एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट जो है एंटर कर लेना है। तो मेरे ऑलरेडी गूगल अकाउंट जो है उसे मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर blogger.com पर अपना मेल आईडी एंटर कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी अपना मेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहाँ आपको अपने ब्लॉग का, अपनी वेबसाइट का एक नाम चूज करना होगा। इसके बाद आप अभी फिलहाल चाहो तो इसे स्किप भी करते हो। दिस इज द टाइटल दैट विल बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ योर ब्लॉग। तो यहाँ पर अभी आप सभी कुछ भी एंटर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर लेती हूँ ट्रेंडसेटर 2023 और यहाँ से नेक्स्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पर वापस से आपको अपने URL के लिए एक एड्रेस इंटर करना है। तो यहाँ पर मैं ट्रेंडसेटर 2023 इंटर करके देखती हूँ। सॉरी, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल भी आप यहाँ पर देख लो। यहाँ पर ये नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, तो आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। चेंजेस करने के बाद हो सकता है कि वो अवेलेबल दिखने लगे। यहाँ पर जैसे मैंने 2023 इंटर किया, ये अवेलेबल हो गया। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। आपका यही एड्रेस, आपका URL जो है, लोग इसी URL के थ्रू आपके वेबसाइट पर आएंगे, आपके ब्लॉग को चेक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करेंगे। हाउ डू वॉन्ट टू वॉन्ट योर नेम डिस्प्ले टू रीडर्स ऑफ योर ब्लॉग। तो यहाँ पर ऐसे एंटर करके फिनिश कर देते हैं। आप सभी अपने हिसाब से डिस्प्ले नेम जो है अपना चूज कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ से आगे फिनिश करके नया पोस्ट स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे आप सभी ये सारी चीज़ें कर लोगे, 3 स्टेप, टाइटल, अपना URL और थर्ड अपना डिस्प्ले नेम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले नेम दिख रहा है। यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ट्रेंड सेटर 2023 दिख रहा है। और अब यहाँ पर बैक करते हैं, वापस से थर्ड 3 एरो पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट है, स्टेटस है, कॉमेंट्स है, अर्निंग्स है, पेजेस है, लेआउट है, थीम है, सेटिंग्स है, और यहाँ पर व्यू ब्लॉग है। तो पहले एक बार व्यू ब्लॉग चेक कर लेते हैं।
तो व्यू ब्लॉग जो है देयर इज नथिंग हेयर, क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। और जैसे ही आप यहाँ पर कुछ पोस्ट करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा आपका खुद का ब्लॉग और उसका स्टेटस जो है आप सभी आसानी से चेक भी कर सकते हो। तो पहले आप अपना प्रोफाइल यहाँ से चेक कर लेना। अगर आप चाहते हो यहाँ पर अपना अबाउट मी सेक्शन लिखना तो अपने ब्लॉग के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। प्रोफाइल फोटो कुछ भी अगर आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हो यानी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट प्रोफाइल पर आकर आप सारी चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको शेयर माई प्रोफाइल, शो माई मेल एड्रेस, शो माई ब्लॉग, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आपको ये कम्प्लीट कर लेना है यहाँ से प्रोफाइल एडिट में आकर। और इसके बाद भी हम लोग वापस से चलेंगे, आपको मैं और सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। यहाँ पर न्यू पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपने आपने अपना एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर लिया है, अब आपको अपना यहाँ से एक ब्लॉग जो है रेडी करना है। तो ब्लॉग रेडी करने के लिए आपको यहाँ पर अपने ब्लॉग का एक टॉपिक यानी अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है कि किस पर आपको काम करना है, और उसी टॉपिक कैटेगरी पर आप सभी अपने यहाँ पर ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप अपने वेबसाइट को रन कर सकते हो। तो यहाँ पर ट्रेंड सेटर 2023 किया था, तो मैं फैशन वगैरह से रिलेटेड जो है यहाँ पर यूज कर सकती हूँ। विंटर अमेजिंग लुक्स, और पहले मैं क्या करूँगी इसे ना, मैं यहाँ पर वापस से आऊँगी और यहाँ पर मैं सर्च करूँगी और यहाँ से मैंने विमेन विंटर अमेजिंग लुक्स या फिर टॉप 10 विंटर अमेजिंग लुक फॉर वुमेन, इस तरीके से आप टाइटल एंटर कर सकते हो। क्योंकि मेरा ट्रेंड सेटर था इसलिए मैंने इस तरीके का यहाँ पर टाइटल और टॉपिक जो है चूज़ किया। अब यहाँ पर मैंने ये लिख लिया टाइटल। अब आपका कोई भी कॉन्टेंट है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है कि टॉप टेन बेस्ट आइडियाज टू कैरी काफ, और यहाँ से 1 2 3 करके यहाँ पर आप सभी अपने कंटेंट को पूरा लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर ए जो लिखा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है। फॉन्ट यहाँ से आप सभी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर TT का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप सभी फॉन्ट का साइज जो है स्मॉलेस्ट, स्मॉल, नॉर्मल, मीडियम, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। यहाँ पर पैराग्राफ का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको जो भी हेडिंग देना है, जैसे ये मेरा है तो इसको मैं हेडिंग रख दूंगी, और आपको सब हेडिंग देना है फिर सब हेडिंग दे सकते हो, माइनर हेडिंग। इसके बाद पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ पर आप सभी पैराग्राफ नीचे से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको ये काम यहाँ पर करना होगा। ये मेरा सब हेडिंग है तो इसे मैं सब हेडिंग में यहाँ से कन्वर्ट कर लूँगी। अब यहाँ पर अंडू का भी ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है HTML व्यू और कंपोज व्यू का ऑप्शन, यहाँ से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। इसके बाद मान लो आपको आगे लिखना है, आप कहीं से कॉन्टेंट पहले चेक कर रहे हो उसके बाद यहाँ पर लिखोगे, तो आप इसे वापस से एडिट कर सकते हो बिना पब्लिश किए हुए। तो आपको यहाँ पर जो ऊपर में दिख रहा है ना, इस एरो पर यहाँ पर क्लिक करना है, इसे यहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, उसके बाद वापस से आप यहाँ पर अपनी एडिटिंग जो है कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो कि ये ड्राफ्ट में सेव हो चुका है और यहाँ से आपका अभी दिख रहा है 0 कमेंट और व्यू भी 0, क्योंकि मैंने इसे अभी तक पब्लिश नहीं किया है। आपको इसको पब्लिश जैसे ही करोगे तो आप अपना स्टेटस जो है यहाँ से देख सकते हो। आपको आपके ब्लॉग का यहाँ पर सारा स्टेटस दिखेगा, ऑल टाइम, टूडे, यस्टरडे, दिस मंथ, लास्ट मंथ, और आप सभी अपने खुद के ब्लॉग से अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और ऐसे आप सभी 4-5 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग कॉन्टेंट जो है लिख सकते हो, और जो वेबसाइट रैंक कर गया तो उसे आप सभी उसे सेल करके भी मनी अर्न कर सकते हो या फिर अपने ब्लॉगिंग से भी मनी अर्न कर सकते हो। अभी वापस से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है अर्निंग का ऑप्शन। तो उसके लिए आपको अर्निंग के लिए अपना एडसेंस अकाउंट जो है क्रिएट करना होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आपके ब्लॉग पर एड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे खासे व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये व्यूज़ तभी आएगा जब आप ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ पर लिखोगे, मतलब आपका कंटेंट जो है कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना होगा। स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एड्स बाय क्रिएटिंग एन एडसेंस अकाउंट। व्हेन यू सेट अप एन एडसेंस अकाउंट, वी विल ऑटोमेटिकली प्लेस एड्स फॉर यू इन ऑल द बेस्ट प्लेसेस। ऑलरेडी यूज एडसेंस एड जस्ट, ये मेल आईडी आपके यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद अपना एडसेंस अकाउंट जो है यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर लेना आप, या फिर डायरेक्ट जाकर गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर ये हमारा वेबसाइट का जो है लिंक जाएगा। आई डोंट हैव अ साइट नहीं करना है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी साइट है। और यहाँ से पेमेंट कंट्री जो है आपको एंटर करना होगा, इंडिया। और ये गाइज आगे का प्रोसेस है, जब आपके ब्लॉग पर ना एड्स वगैरह आने लगेंगे तब आप ये काम यहाँ से कर सकते हो। गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, यस सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन, यहाँ पर येस कर देना है आपको। आवर टर्म्स एंड कंडीशन, इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पर पढ़ के एक्सेप्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना साइट जो है वो एंटर कर देना है, लेकिन ये आपको तभी करना है
जब आपका अकाउंट आपके वेबसाइट पर अच्छे व्यूज आ रहे हैं, वरना आपका यहाँ से जो ब्लॉग है वो कुछ समय के लिए टर्मिनेट भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से तभी करनी है जब आपके ब्लॉग पर एड्स आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। और यहाँ पर बाकी ऑप्शन दिख रहा है लेआउट का, थीम का, तो यहाँ से आपको थीम का भी ऑप्शन मिल जाता है। अपने हिसाब से आप अपने ब्लॉग के लिए थीम यहाँ से चेंज कर सकते हो। कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा है, कॉन्टेम्पो इस फॉर्मेट में अगर चाहिए तो। और यहाँ पर आप सभी को मल्टीपल डार्क लाइट मल्टीपल आप सभी को यहाँ पर थीम के ऑप्शन मिल रहे हैं। जो चाहे वो थीम आप चूज कर सकते हो। अब जैसे ये थीम है तो यहाँ से इस थीम पर आप सभी काम कर सकते हो। यहाँ से आपको उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली। अब आपका ये थीम जो है जो आप लिखोगे वहाँ पर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है लेआउट का ऑप्शन, तो यहाँ पर अलग अलग लेआउट दिख रहा है। इस तरीके से आप अगर चेंज करते हो तो आपका लेआउट ऐसे दिखेगा। इसके ऊपर है पेजेस के ऑप्शन, तो यहाँ पर आप सभी पेज भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि हाउ टू मोनेटाइज योर ब्लॉग ऑन blogger.com। तो सबसे पहले आपको ब्लॉगर पर जो है साइन इन कर लेना है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। इन द टॉप लेफ्ट सेलेक्ट अ ब्लॉग, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लिक अर्निंग्स क्रिएट, आपको एडसेंस अकाउंट जो है वो भी क्रिएट करना होगा। सिलेक्ट द गूगल ईमेल एसोसिएटेड विद ब्लॉगर अकाउंट, और आप सभी को ब्लॉगिंग को अपने मोनेटाइज करने के लिए एडसेंस पर अकाउंट क्रिएट करना है। और आपको अपना फोन नंबर भी वेरीफाई करना होगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। और आप सभी को इस पर अच्छे व्यूज चाहिए। हाउ मच मनी डज 1000 व्यूज मेक ऑन ब्लॉगर, तो यहाँ पर अगर आपके 1000 व्यूज आते हैं और आपका जब ब्लॉग जो है मोनेटाइज हो जाता है, तो यहाँ से आप सभी $0.20 से लेकर $15 तक अर्न कर सकते हो अपने एक ब्लॉग से, जिस पर 1000 या फिर 1000 से ज्यादा जो है आपके व्यूज आ रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। गूगल एडसेंस पर आ जाते हैं और ये रहा वेबसाइट मोनेटाइजेशन। और यहाँ से आप सभी को सेम उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था, अपना सेलेक्ट रीजन, सेलेक्ट कैटेगरी और ये सारी चीजें यहाँ पर एंटर करनी होगी। उसके बाद आप यहाँ से अपना गूगल एड अकाउंट जो है यहाँ से साइन अप फॉर गूगल एडसेंस स्टार्ट कर सकते हो अकाउंट क्रिएट करके, और अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर गाइस कि आप जो भी अपना यहाँ से कंटेंट बनाओ वो ऑथेंटिक हो, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब जो यहाँ पर क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है आपके मोनेटाइज करने के लिए आपके ब्लॉग को। तो यहाँ पर आपका यूनिक और इंटरेस्टिंग कंटेंट होना चाहिए। योर कंटेंट मस्ट बी हाई क्वालिटी ओरिजिनल एंड अट्रैक्ट द ऑडियंस। तो आप जब भी लिखो तो अपने ऑडियंस के हिसाब से लिखना। पहले उसको खुद पढ़ना कि आपको ऐसा लगे कि हाँ आपको ये अच्छा लग रहा है, आप एक ऑडियंस हो, आपको ये कॉन्टेंट पसंद आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। डज योर कॉन्टेंट कॉम्प्ली विद द एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज, आप सभी को जो भी वहाँ पर टर्म्स कंडीशन है एडसेंस की वो चेक कर लेना है। और आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप 18 ईयर्स एवब होने चाहिए। इफ़ यू यूज ब्लॉगर यूट्यूब और अनदर होस्ट पार्टनर, तो आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही होगी, ये बहुत बेसिक है। और यहाँ पर आपको बाकी सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। सो गाइज आप सभी अभी के अभी स्टार्ट कर लो ब्लॉगर से अपने 4-5 वेबसाइट और वहाँ पर ब्लॉग लिखना चालू कर दो। अच्छी खासी अर्निंग आप जनरेट कर सकते हो। सो गाइज अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो अभी के अभी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस बनाती रहूं और आप सभी को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी बात करेंगे वैसे लोगों के बारे में जो लोग ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और गाइज इसके लिए कोई भी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बिगनर हो, स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम वर्कर हो, फुल टाइम वर्कर हो, फ्रीलांसर हो, रिटायर्ड पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, तब भी बिना किसी टेक्निकल स्किल्स के आप सभी घर बैठे हर दिन ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो। आपके दिमाग में बहुत सवाल कंफ्यूजन होंगे, सारे सवालों के जवाब बन जाएंगे। एक लिंक बस चेक कर लेना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया गया है। आप जैसे ही उस लिंक को चेक करोगे देखोगे वहां आपको मिल रहा है 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास। और इस फ्री डेमो क्लास के थ्रू आप जान पाओगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, वेबसाइट कैसे बनती है, एसईओ क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस फ्री डेमो क्लास को ज्वाइन करने के लिए 1 रुपए इन्वेस्ट नहीं करने हैं। सिंपली आपको रजिस्टर करना है, नेम, मेल आईडी, फोन नंबर प्रोवाइड करना है, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो ये 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नए टिप्स के साथ। तब तक टेक केयर यू ऑल, बाय।